गोरखपुर में दुर्गा पूजा उत्सव की चारों तरफ धूम मची हुई है। पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा को स्थापित कर भक्तों द्वारा जगह जगह पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। मां की प्रतिमा के विसर्जन के लिए राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट के पास ही 3 कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं। इस तालाब में मां के भक्तों द्वारा मां की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिमाओं का विसर्जन नदी में न करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर जिला प्रशासन कृत्रिम तालाब में मां की प्रतिमा को विसर्जित करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी गोरखपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब का निर्माण जोरों से किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को देखने के लिए एडीएम और एसपी सिटी मौके पर पहुंचकर बारीकियों से जांच की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 100-100 गाड़ी आएंगी, कहाँ जाएंगी? उनके लिए कोई स्पेस दोगे ना? तो ये पिछली बार यहाँ दिया गया था, इसको चेक करो आप। इसमें देखो, यहाँ तो नहीं झाड़ जो उग गया है? नहीं, वो तो गड्ढा है। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इन पॉइंटों का हम और एडीएम सिटी साहब ने निरीक्षण किया है। बंधे से जो उतरने का रास्ता, उसको देखा जा रहा है, वहाँ पे क्या कमियाँ हैं। पॉइंट की लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई देखी जा रही है। तो अभी तक जो कमियाँ हमको और एडीएम सिटी साहब को दृष्टिगत हुई हैं, उसको निर्देशित किया जा रहा है, उसी हिसाब से प्रबंध कराए जाएंगे। इसकी, हाँ, इसे गहरा कराया जाएगा, इसको गहरा कराया जाएगा। नहीं हो जाता, जैसे मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं, फिर यहाँ पे सरकारी कर्मचारी लगे रहते हैं, वह विसर्जित मूर्तियों को फिर पांड से निकालते भी रहते हैं। पांड खाली होता रहता है। नहीं, उतार के डाल देंगे उसको। पिछली साल भी विसर्जन यहीं पे हुआ था, काफ़ी हद तक यहीं पे हुआ था। नहीं, सरकारी जो व्यवस्था है अभी यहीं पे की जा रही, कोशिश की जाएगी सारी प्रतिमाओं का विसर्जन यहीं पे हो। पांडे, नहीं, अभी हमारी कोशिश है कि प्रतिमाओं का विसर्जन यहीं पे किया जाए। आप उचित तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। जो भी विसर्जन का हमारा रूट है, उस पे पांड के पास गोताखोर भी लगाए जाएंगे, और गाड़ियों के आने जाने में, आवागमन में कोई असुविधा ना हो, इस तरह से ट्रैफिक की और जिला पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी हम खड़े हैं राजघाट के बर्ड घाट में, जहाँ पे मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। नगर निगम द्वारा यहाँ 3 पोखरे खोदे गए हैं, 1, 2, 3, लेकिन जितने पोखरे खोदे गए हैं और जितनी मूर्तियाँ हैं, ऐसा नहीं लगता है कि उतनी मूर्तियों की यहाँ व्यवस्था की गई है जितनी मूर्तियाँ शहर में बैठती हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ मूर्तियाँ बैठती हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ 3 पोखरे खोदा है। कई सालों का अनुभव प्रशासन कर रहा है कि पूरी मूर्तियाँ यहाँ नहीं विसर्जित की जाती हैं। मैं अधिकतर लोग यहाँ से बागागाड़ा पुल के पास ले जाकर विसर्जित करते हैं, जहाँ पे 4 लेन है, और हमेशा वहाँ गाड़ियों का आवागमन तेज़ी के वजह से वहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, लेकिन प्रशासन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करता। प्रशासन से पूछने पर ही कहता है कि सरकारी आदेश है और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ मूर्तियों की पूरी व्यवस्था नहीं की जाती है डूबने की, जिसकी वजह से लोग मूर्तियों को बागागाड़ा ले जाते हैं। ऐसे में प्रशासन कितना अपने तैयारियों को पूरा कर पाता है, या फिर कितनी मूर्तियां यहाँ विसर्जित होंगी, ये आने वाला देखने वाला वक्त बताएगा। मैं बैजू गुप्ता, CN24, राजेश सोनकर के साथ।